नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक और ऐसी जातिवाद की घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों खबर है राजस्थान की। राजस्थान से फिर एक जातिवाद का मामला निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर एक माता के मंदिर में कुछ सवर्ण महिलाएं पूजा कर रही थी, पूजा अर्चना कर रही थी, तो वहां पर कुछ दलित महिलाएं भी पहुंची। वहां पर जैसी दलित महिलाएं पहुंची तो उन सवर्ण महिलाओं ने उन दलित महिलाओं का विरोध करने लग गए, यानी कि तुम अंदर पूजा करने नहीं आ सकती, तुम अंदर आके दिया नहीं जला सकती, तुम अंदर आके कोई भी क्रियाकर्म नहीं कर सकती, तुम्हें मंदिर के बाहर या फिर मंदिर के गेट के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। यह उदयपुर राजस्थान की घटना है। उदयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी घटना है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद केवल गाँव तक सीमित है, वो उदयपुर जैसे शहर से लगे हुए इलाकों में भी होता है। दोस्तों आप देख सकते हो। तो गाइस, ये घटना के बाद जो वहां पे महिलाएं पहुंची थी दलित समाज की, उन्होंने थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें अंदर आना होगा, ये हमारा हक है, ये चीज हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं। जैसे ही उनमें दलित महिलाओं ने विरोध करना शुरू किया, उन सवर्ण महिलाओं ने हाथ जोड़कर दलित महिलाओं से माफी मांग ली। उसके बाद वो दलित महिलाएं भी अंदर जाकर पूजा अर्चना करने लगी। हालांकि वहां की जो सवर्ण महिलाएं थी, उनका ये कहना था जब तक हम लोग इस मंदिर में है, यानी कि जब तक हमारा इस मंदिर में आरक्षण है, जब तक हम लोग इस मंदिर में है, तुम अंदर नहीं आ सकती, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फिर तुम लोग अंदर आके पूजा अर्चना करना, जो भी तुम्हें करना है वो करना, लेकिन तुम हमारे साथ खड़े होकर, हमारे साथ बैठकर पूजा अर्चना नहीं कर सकती। तो देख रहे हो वो मंदिर है, उसे लोग भगवान का घर कहते हैं, मैं तो कभी नहीं कहता, जहां पर समानता है ही नहीं, जहां पर दो जाति के लोग एक साथ खड़े होकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते, साथ बैठ नहीं सकते, तो इस देश में समानता कब आएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए।